आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आप उसकी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, और एक गवाही है जिस गवाही के द्वारा खुदा का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आप थोड़ा समय तो दे ही सकते हैं प्रभु को, इसमें भी आपका ही फायदा है। एक लड़का था, एक भाई था, जो प्रभु यीशु मसीह पर नया विश्वासी था। उसको शायद किसी ने बताया कि तू यीशु पर विश्वास कर, यीशु बहुत प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है। और वो लड़का अच्छे काम धंधे में लगा, उसको अच्छा काम मिला, उसने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे अच्छा काम दे, और उसको काम धंधा मिला, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया बढ़ता गया, रोटी कपड़ा मकान में बढ़ता गया, पैसा मिलता गया, अच्छी नौकरी हुई उसकी, अच्छा बिजनेस हुआ, अच्छा काम धंधा हुआ, लोग उसके नीचे काम करने लगे, और उसके साथ साथ वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बना और बहुत अमीर खानदान का हो गया। जब उसने प्रभु का नाम पकड़ा ना, उसने उससे किसी ने कहा था कि प्रभु ना बहुत प्यार करता है आपसे और आपके साथ साथ रहता है, आपके साथ साथ चलता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। तो उसने इस बात को एक प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करी उस लड़के ने, कि हाँ मेरे से एक भाई ने कहा है कि यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है, मेरे साथ साथ रहता है, चलो मैं एक बार देखता हूँ। तो उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी रात को और सो गया। सोने के बाद जब सुबह उठा तो सुबह शहर पर गया, शहर शहर करने के लिए गया, एक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे गया, शहर पर निकला, और निकलते निकलते वहाँ से चलने लगा। चलते चलते उसने क्या देखा कि अरे हाँ, मेरे बगल में दो पैरों के निशान और हैं, मतलब टोटल वहां पर चार पैरों के निशान थे, चार पैर थे, दो तो खुद ही उस लड़के के और दो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के निशान थे। वो प्रभु से कह रहा कि हाँ सच में प्रभु, तू सच में जीवित है, तू तो सच में मेरे साथ रहता है, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, जैसा कि मुझे तेरे लोगों ने बताया कि तू सच में हमारे साथ रहता है, हमसे प्यार करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो प्रभु उस लड़के के साथ साथ चला करते थे, और फिर उसके कुछ टाइम तक आगे चले, चलते 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 फिर वो घर पर आया। फिर वो सोच रहा, उसको थोड़ा सा शक हुआ कि प्रभु क्या अभी भी मेरे साथ है, मैं अब घर पर आ गया। वो वहाँ तो रेगिस्तान, वहाँ तो एक समुद्र था, वहाँ पर पता चल रहा था क्या यहाँ पर भी प्रभु मेरे साथ है। तो उसने क्या करा, उसने घर घर पे गया, जब वो उसने आटा लिया, आटे की बोरी ली, पूरे में फैला दी, और फिर उसके बाद वहाँ पर चलने लगा। देखा तो वहाँ पर भी पैरों के निशान थे, चार पैरों के निशान थे। सच में बहुत खुश होया इस बात को लेकर, प्रभु के आगे बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और घुटनों के बल प्रार्थना करके कहने लगा कि सच में प्रभु तू बहुत महान है, तेरा एक एक वचन ताया हुआ है, तू सच में मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे आंसुओं की तूने शुद्धि ली है, मेरी जरूरतों को तूने पूरा किया है, मुझे ही तूने बढ़ाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद जब वो नौकरी बिजनेस करता है तो अचानक उसको ना लॉस होने लगता है, कोई गलती के कारण वो अपनी गलती समझ नहीं पाता कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ मैंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप कर दिया, और उसको काम में लॉस होने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी फैक्ट्री बिक जाती है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, जो उसके नीचे लोग करते थे काम वो भी सब चले जाते हैं, क्योंकि उनको देने के लिए पैसा भी नहीं होता उसके पास। बहुत कंगाल हो जाता है, बहुत रूठ जाता है, बहुत मायूस हो जाता है, और अपने आप को बहुत अकेला त्यागा हुआ सा समझता है। यहाँ तक कि पहले उसके अंडर में लोग काम करते थे, आज वो दूसरे के अंडर में काम करने के लिए जॉब ढूंढता है। जब वो जॉब ढूंढने के लिए जाता है तो उसको एक कंपनी में काम मिलता है, तो प्रभु उसको काम दिलाता है, काम मिलता है, उसके बाद वो काम करने लगता है, वहां पर काम करना शुरू करता है। और जब फिर एक रात को वो प्रार्थना करके सोता है, प्रभु अब भी तू मेरे साथ है ना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे साथ है प्रभु, इतने सारी दुख परेशानी समस्याएं क्यों आई मेरे साथ प्रभु, मैं नहीं रह पा रहा, मेरा मेरी खाट, मेरा पलंग आंसुओं से रोजाना भिगोया जाता है, तू मेरे आंसू की शुद्धि ले, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर जिस कारण मेरी ऐसी हालत हुई है, तू मुझे माफ कर, तू मुझे आगे बढ़ा, मुझे ऊंचा कर, जो भी मेरे गुनाह पाप अपराध हुए मुझे क्षमा कर, और उनको मेरे पाप और गुनाह पाप अपराधों को फिर से स्मरण ना कर, तूने मेरे कर्मों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, ये तो तेरे वचन में लिखा है। तो वो प्रार्थना करके सो गया, पश्चाताप करके सो गया। और जब सुबह उठता है, जब वो सुबह शहर पर जाता है, तो शहर पर जाते हुए देखता है कि उसके बगल में पैरों के निशान नहीं होते, तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि प्रभु दुनिया तो साथ छोड़ देती है मुसीबत के समय, जब पैसा है तो दुनिया भी साथ है, अपने भी साथ है, लेकिन जब पैसा नहीं है क्या तू भी साथ छोड़ देता है। तो उसके बाद वो वहां से रोता हुआ, भिलकता हुआ अकेला चला जाता है। और फिर उसके बाद घर पर आता है,
यूँ सोचता है कि एक बार चल वहाँ नहीं हो, एक बार मैं यहाँ पर चेक कर देखता हूँ। घर पर नहीं था ना, मतलब वहाँ पर समुद्र के किनारे पे नहीं थे ना निशान, यहाँ पर ज़रूर होंगे, कोई बात नहीं। फिर उसने आटा लेता है, दोबारा से बिखेर देता है, तो वहाँ पर चलता है, आटे के ऊपर सिर्फ दो ही पैरों के निशान होते हैं। फिर रोता है बहुत, अकेला सा पड़ जाता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता उसकी, कोई सहायता करने वाला नहीं होता, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। फिर वो ये कहता है, खुदा सही बात है कि मनुष्य दुख के समय, विपत्ति के समय, परेशानी के समय साथ छोड़ देता है, और तूने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। क्या वो वचन झूठा है कि तूने कहा ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। फिर उसके बाद जिस फैक्ट्री में वो काम करता है ना, उसमें काम करने में लौलीन हो जाता है। फिर ऐसा होता है, काम करते करते उसकी सैलरी बढ़ती जाती है और बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है। क्यों? क्योंकि एक बार वो गिर चुका था ना, एक बार वो गिर चुका था, वो अपना सब कुछ खो चुका था, तो इसलिए अब वो अपने आप को, अपने चाल चलन को अच्छा करता है और एक ईमानदारी वाला जीवन जीता है। तो जिस कंपनी में वो काम करता है, जिस कंपनी में उसकी जॉब लगती है उस लड़के की, तो उस कंपनी का जो मालिक है उसकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले वो अपना सारा माल, सारा धन संपत्ति, हर प्रकार की प्रॉपर्टी वो उस लड़के के नाम करा देता है। और जो लड़का, ये लड़का फिर बोलता है कि आज तो मैं फिर से धनवान बन गया, आज तो मेरे पास सब कुछ फिर से आ गया, यहाँ पर मैंने ना तो किसी से चुराया, ना तो मैंने किसी से मांगा, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस कंपनी के मालिक ने, जो मेरा मालिक है, इस मालिक ने मुझे अपनी सारी संपत्ति मुझे यूं ही दे दी, मैं आज फिर से धनवान बन गया। और फिर उसके बाद दोबारा से लोग उसके अंडर में काम करते हैं, उस कंपनी का मालिक बन जाता है, पहले से कहीं ज़्यादा और अमीर हो जाता है। और फिर जब उसके बाद अगले दिन रात को, जब सुबह होती है, जब सुबह वो सैर पर जाता है, तो देखता है कि जब चलता है उसके समुद्र के किनारे पर, रेत पर फिर से चार पैरों के निशान आ जाते हैं। तो उस समय आके उठाकर कहता है कि वाह परमेश्वर, ये तो सच में मैंने सुना था कि मनुष्य तो सिर्फ, इंसान के पास पैसा है जब अपनी ज़रूरत की चीज़ है ना, जब ही साथ में रहता है, नहीं तो मनुष्य सामने वाले के कंगाल होते के साथ ही निकल जाता है। क्या प्रभु तू भी ऐसा निकला? क्या प्रभु सच में तू भी ऐसा निकला? क्या तू भी ऐसा ही है? और कहता है कि दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, दुख के समय, घटी के समय, कमजोरी के समय, बीमारी के समय, परेशानी के समय, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? क्या वो तेरा वचन झूठा निकला? तो उसी समय प्रभु कहता है कि बच्चे, जो तेरे, जब तू समस्या में था, जब तू परेशानी में था ना, तो उस समय तुझे मैं अपनी गोद में लेकर चला फिरा करता था। ये आज जो तू चार पैरों के निशान देख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ दो ही पैरों के निशान थे ना, उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था, क्योंकि मैं तेरे दुख को नहीं देख पा रहा था, मैं नहीं देख पा रहा था, मैं तुझे अपने हाथों में लेकर चलता था, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा बेटा गिर जाएगा, लेकिन मेरे वचन में यह भी लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि मैं उसे संभालूंगा, इसलिए मैंने तुझे अपने वचन के अनुसार संभाला, तुझे ठोकरों के लगने से बचाया, अपने हाथों में लेकर मैं तुझे चला फिरता रहा, लेकिन आज तू मुझसे ऐसा कहता है, तूने मेरे प्यार को नहीं जाना, तूने सिर्फ उन पैरों के निशानों को देखने की कोशिश करी, लेकिन तूने उस बात को, उस गहराई को जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। ये जो दो पैरों के निशान उस समय जब तू चल रहा था, जब तू घटी में था ना, वो दो पैरों के निशान वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों में लेकर चला फिरा करता था, क्योंकि मैं तुझे दुख में नहीं देख सकता था, मैं जानता हूं कि तू नहीं चल पा रहा था, तू टूट चुका था, तू अकेला सा पड़ गया था। उस समय मैंने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने सिर्फ कहा ही नहीं, मैंने करके भी दिखाया, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे साथ प्रेम किया, जब उसने मेरे लिए किया तो क्या मैं तेरे लिए ना करूं? तू मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, कभी मुझ पर शक मत करियो, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगा, बस अपना विश्वास बढ़ा, तू फिर आ जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। आज बहुत से भाई बहनों की जिंदगी ऐसी हो जाती है, जब इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आता है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और घटी में, परेशानी में, बीमारी में, मसीह को जानने के बाद भी, तो अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, क्योंकि यीशु उस समय आपको अपनी गोदी में लेकर चलता है, बहुत प्यार करता है आपसे, वो नहीं रह सकता आपके बगैर, कौन है उसका हमारे बगैर, कोई नहीं है उसका हमारे बगैर, वो बहुत प्यार करता है आपसे और मुझसे, वो हमें अपनी गोदी में लेकर चला फिरा करता है, हमारे पैरों में पत्थर से ठेस लगने से बचाता है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें संभाल कर कहता है कि मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है,
तू मेरा ही है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो सच में कभी भी आप प्रभु को एक कभी ऐसा मत समझे कि वो धोखा देता है, उसका वचन ताया हुआ है, वो बहुत प्यार करता है। आज आपके जीवन में घटी है समस्या परेशानी ने, तो आने वाले समय में वो खुदा आपको ऐसा बढ़ाएगा कि अन्य जाति क्यों कहने पाएगी तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। लोग खुद ब खुद गवाही देंगे, वो कहेंगे कि ये वो वंश के लोग हैं जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर खुदा के आत्मा ने आपसे बात करी है तो उसको आगे शेयर करें, ताकि और लोग जो टूट बिखर चुके हैं वो जानने पाए कि खुदा उनसे कितना प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।